हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरी किचन में। चलिए बनाते हैं कुछ टेस्टी और हेल्दी। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये है पालक। पालक का साग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में ये पालक का घुटुआ साग, पालक पनीर, पालक आलू खाने का जो मज़ा है वो दुगना है। तो देखिए, मैंने बनाया है अपने किचन में आज पालक, वो भी खुटुआ साग जिसको बोलते हैं। तो देखिए, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। लहसुन, प्याज, अदरक, ये देखिए प्याज, सब पेस्ट बना के सबका रख दिया है। और पालक का भी एकदम से पेस्ट बना दिया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं इसको घुटुआ साग बोलते हैं, तो इसी उसी तरीके से हम बनाएंगे कि घुटुआ, इसीलिए हमें इसको इतना घोटा है। ये देखिए मिर्चा, अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, तो इसमें डाली है ये टमाटर का पेस्ट है। टमाटर की प्योरी बना के ऐसे डाल दीजिए और उसके बाद इसको अच्छे से फ्राई करिए। और फ्राई करने के बाद थोड़ा ये लाल हो जाए, तेल छोड़ने लगे, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके ये देखिए पालक को डाल दिया है मैंने इसमें। पालक डालने के बाद इसको अच्छे से घोट देना है। ये देख लीजिए, घुटाई कर दी, उसकी घुटाई पूरी। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग, मैं काफ़ी देर से पालक को घोटे जा रही हूँ, घोटे जा रही हूँ, घोटे जा रही हूँ, घोटे ही जा रही हूँ। फाइनली मेरा पालक घुट घुट के तैयार हो गया है। ये देख सकते हैं, घुट घुट के इतना घोट दिया है मैंने कि एकदम अच्छा सा ही पालक का पेस्ट, जो पालक की घुटुआ साग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही टेस्टी, यम्मी, इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद बन के हो गई है तैयार। ये देख सकते हैं हमारी पालक की घुटुआ साग हो चुका है तैयार। आहा, ये देखिए क्या स्वाद है, क्या खुशबू है। तो देखिए, मैं जा रही हूँ खाने पालक चावल। तो आप लोग भी बनाइए और खाइए, इतना टेस्टी बनाया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी और यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी हुआ है। सर्दियों में खाने का जो आनंद है वो तो ना। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपनी ये पालक की जो सब्जी बनाई है मैंने और ये चावल बनाया है, इसको मैं जा रही हूँ खाने और इसका इंजॉय करने, खाकर इसका जो एंजॉय करने जा रही हूँ मैं। आइए आप लोग भी खाइए मेरे साथ साथ। केवल पालक और चावल ही नहीं है, साथ में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या लिया है मैंने। ये है प्याज। पालक चावल के साथ प्याज खाने का मज़ा तो अलग ही है। और जो ऊपर आप लोग, वाओ यम्मी, जो ऊपर आप लोग देख रहे हैं वो है अचार, खट्टे मीठे अचार, और खा के तो मज़ा ही आ गया मुझे। ये देखिए प्याज खाकर इतना स्वाद आया ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। बस मेरी पालक पनीर हो के तैयार हो गई है, बिल्कुल रेडी बन के तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है, यम्मी। सो देखिए, मैंने पालक पनीर अकेले ही नहीं लिया, मैं खाऊँ और स्वाद से ना खाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने काटा है प्याज, बनाई है टमाटर की प्यूरी, साथ में है बड़ा बड़ा नींबू। और आप लोग सोच रहे होंगे वो लास्ट में क्या रखा है, सच वो है खट्टा मीठा अचार। वाह, अचार का जो टेस्ट था ना, वेरी वेरी टेस्टी। सो मेरा हेल्थी खाना बनके रेडी हो गया है, और ये हेल्थी खाना सेहत के लिए भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है, और सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सो मैं तो चली खाना इंजॉय करने, आप लोगों को भी इंजॉय करना हो मेरे साथ खाना तो आ जाइए। ये ओ वाओ, मुँह में चाहते ही व्हाट अ बाइट, वेरी टेस्टी, इतना अच्छा लगा मुझे, मैं क्या ही बताऊँ। मिर्ची की तो मैं शौकीन हूँ, तो ग्रीन चिली मुझे बहुत पसंद है खाने के साथ। सो यार, ये प्याज, वाओ, साग चावल के साथ प्याज अचार और मिर्च का जो टेस्ट है वो खाने का टेस्ट और दुगना कर देता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। आहा, ये है अचार का टेस्ट जिसने मुझे झन्ना दिया, एकदम झन्ना।